हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए आई वॉक में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, वो वीडियो लेकर आए हैं एक ट्रैक्टर एम्पलीफायर बोर्ड की, जो शायद ही जल्दी से अवेलेबल होता होगा कहीं पे, बट अपने पास अवेलेबल है 16 MOSFET के अंदर, जिसका मॉडल नंबर है DX88RN। जी हाँ दोस्तों, ये हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो चलिए मैं इसका बॉक्स को ओपन करता हूँ, और ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एक बहुत ही जाइंट एम्पलीफायर बोर्ड अवेलेबल है, जो आता है DX की तरफ से। और बात करें इसकी बोर्ड की, तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं कितना ही भारी ये बोर्ड है, ये देख सकते हैं। मैं इसको अगर ऐसे उठा रहा हूँ तो ये बीच से बैंड हो रहा है, ये देखिए आप, बीच से बैंड हो रहा है, ये देखिए, मतलब इतना वेट है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक जाइंट 12 वोल्ट DC एम्पलीफायर, जो ट्रैक्टर्स में लगता है। आपने ज़्यादातर जो देखा होगा वो पंजाब साइड देखा होगा। तो इतना जाइंट जो बोर्ड है वो अपने पास अवेलेबल है। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, 8 ट्रांजिस्टर एक तरफ लगे हुए हैं इसके एक चैनल के लिए, और 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दूसरे चैनल के लिए। तो यहाँ पर टोटल हमें मिल जाता है 400+400 वाट का आउटपुट। और इस 8+8 यानी कि 16 ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को चलाने के लिए हमें यहाँ पे 2 कन्वर्टर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, एक कन्वर्टर हमारा ये यूज़ हो रहा है, 50-0-50 का कन्वर्टर होता है ये, जो हमारा 12 वोल्ट को 50-0-50 में कन्वर्ट करता है। तो एक कन्वर्टर हमारा ये यूज़ हो रहा है एक चैनल के लिए, और दूसरा कन्वर्टर हमारा यूज़ हो रहा है इस चैनल के लिए, यानी कि दूसरे चैनल के लिए। और बात करें हम इसमें जो बेस टेबल का, तो इसमें बेस टेबल वही जो हमारा डीलक्स वाला बेस टेबल आता है नॉर्मल सा, वही इसके साथ अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसमें बेस ट्रेवल एंड वॉल्यूम होता है, बेस ट्रेवल एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है एम्पलीफायर बोर्ड। बात करूं इसके बैक साइड से मैं, तो आप बैक साइड से देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन इसका जो पूरा लेआउट है। यहां से आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट के इनपुट है हमारे, दोनों जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, यानी कि 2 पावर सप्लाई इसके अंदर यूज हो रही है। तो दोनों के इनपुट हमारे लिए ये यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों के इनपुट। एक इनपुट ये है 12 वोल्ट का, और दूसरा इनपुट ये है हमारे जो बैटरी से जाएंगे ट्रैक्टर की एम्पलीफायर, ट्रैक्टर की जो बैटरी से जाएंगे वो ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैनल का आउटपुट यहाँ से दिया गया है, एक चैनल का आउटपुट यहाँ से दिया गया है, और ग्राउंड को कॉमन कर दिया गया है। तो ये हमारे जो है वो आउटपुट मिल जाते हैं हमें 400+400 वाट का। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसके, यहाँ पे जो देख सकते हैं कैपेसिटर यूज किए गए हैं, ये 71 वोल्ट के यूज किए गए हैं। 71 वोल्ट 3300 UF के जो है वो यहाँ पे कैपेसिटर यूज किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड जो यूज किया गया है, ये नॉर्मल डायोड नहीं है, ये हाई क्वालिटी के डायोड होते हैं जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। इन्हें शॉटी डायोड डायोड कहा जाता है, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं हाई एम्पियर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पावर सप्लाई में मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Z44 यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे जो यूज किया गया है P55 करके मॉसफेट आते हैं हमारे, जो काफ़ी Z44 आपको नॉर्मल देखने को मिलता होगा, बट यहाँ पे जो मिलते हैं हमें P55 के मॉसफेट मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे IC के नंबर मिटा दिए गए हैं, बट ये IC हम लोगों को पता होती कौन सी IC है। ये 5532 IC नहीं है, सॉरी 5532 कह रहा हूँ, हाँ आई थिंक 5532 IC नहीं है ये, सॉरी 3553, इस IC के नंबर यहाँ पे मिटा दिए गए हैं, बट हमें पता है कौन सी IC है ये। ठीक है, 3525 IC होती है ये, यहाँ पे 3525 IC यूज की गई है, जो इन दोनों को ड्राइव कर रही है, यानी कि इस सप्लाई को और इस सप्लाई को ड्राइव कर रही है। और यहाँ पे केवल इस IC से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है, तो ड्राइव करने के लिए इस IC से काम नहीं बनने वाला है। तो उसके सपोर्ट में हमें यहाँ पे BD-139 और BD-140 दिए गए हैं, जो इन मॉसफेट को ड्राइव करने में इसकी सहायता करते हैं, इस IC की हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 कैपेसिटर आपको यहाँ मिल जाते हैं, और 4 कैपेसिटर आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाकी मैं ओवरऑल बात करूँ, इसमें सारे जो रेजिस्टेंस वगैरह यूज किए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया क्वालिटी के फिलिप्स के सारे जो हैं वो रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। आप इसमें 15 इंच के दो एक चैनल पे, यानी कि 15 इंच के 4 स्पीकर चला सकते हो, 12 इंच के भी 4 स्पीकर चला सकते हो बड़े इजीली तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस एम्पलीफायर के साथ। क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है बहुत ही जाइंट एम्पलीफायर है, और बहुत ही हैवी एम्पलीफायर है। और बात करूं अगर इसकी हीट सिंक की, तो आप देख सकते हैं इसकी हीट सिंक की मैं बात करूं तो इतनी मोटी, मतलब ओवरऑल इसका जो मैंने वेट किया है, वजन किया है इसका, लगभग लगभग 3 किलो के आसपास इस बोर्ड का वजन है।
जी हाँ दोस्तों, इस पूरे बोर्ड का वजन जो है वो लगभग लगभग 3 किलो इस बोर्ड का वजन हमारा जो है वो कांटे के ऊपर मैंने चेक किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके इनपुट की, तो यहाँ से हमें इनपुट मिल जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ से ये बेस लेवल का आउटपुट है जो हमारे बोर्ड के अंदर गया हुआ है इन ऑडियो इनपुट के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस जो इसके साथ बेस लेवल बोर्ड आता है उसमें आपको ऑडियो इनपुट का कनेक्शन मिल जाते हैं, आपको अपने जो ब्लूटूथ कार्ड के लिए पावर सप्लाई मिल जाती है क्योंकि इसमें 7805 यहाँ पे इनबिल्ट दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं सारे फिलिप्स के यूज़ किए गए हैं, जो यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं ये छोटे वाले आप देख रहे हैं सारे, ये फिलिप्स और समवा के यूज़ किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो सारी फिलिप्स की रेजिस्टेंस दी गई हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो इस बोर्ड के साथ जो पावर सप्लाई के 50050 है उसी पावर सप्लाई से इस बेस लेवल बोर्ड को चलाया जा रहा है, तो उसकी पावर सप्लाई के इनपुट ये देख सकते हैं आप, ये हाई वोल्टेज की वायर यहाँ लगी हुई है और ये लो वोल्टेज की 12012 जो हमारे 78.5 के लिए वो दो वायर यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, थीके? और ये हाई वोल्टेज का वायर हमारा यहाँ लगा हुआ है जो ये 50050 से रन करता है हमारा बेस लेवल बोर्ड। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बोर्ड को यूज नहीं करने वाले हैं, हम इस प्री एम्प को इस किट के साथ में यूज नहीं करने वाले हैं। हम जो प्री एम्प यूज करेंगे वो ये वाला प्री एम्प यूज करेंगे, आप देख सकते हैं डीएस लाइन का बहुत ही बेहतरीन जो बेस लेवल बोर्ड है हम इसको यूज करने वाले हैं। इसमें LM324 की 3 IC वाला बोर्ड जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, पूरा फिलिप्स के अंदर है ये आईसी भी सॉरी रेजिस्टेंस भी फिलिप्स के हैं, इसके सारे कैपेसिटर फिलिप्स के हैं, तो हम इस बेस लेवल को रिप्लेस करेंगे इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ रिव्यू इस बोर्ड के बारे में, और इस बोर्ड से रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बार मैं इसकी लुक आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है एक जाइंट सा एम्पलीफायर बोर्ड जिसमें 8 ट्रांजिस्टर MOSFET यहाँ दिए गए हैं, 8 ट्रांजिस्टर MOSFET यहाँ दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 400+400 वाट का बहुत ही हैवी क्वालिटी का जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है वो अवेलेबल है हमारे पास, और इसके साथ में हम इसको यूज़ करेंगे ये वाला बेस ट्रेबल, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी डबल होने वाली है क्योंकि तो इसमें हाई गेन का आउटपुट है और ये नॉर्मल आउटपुट वाले हमारे जो बेस ट्रेबल बोर्ड होते हैं वो हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इसके साथ चला के देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसके साथ चला के देखेंगे, तो दोनों में जो फर्क होगा वो नजर आ जाएगा आपको। तो ये था रिव्यू कुछ इस बोर्ड के बारे में, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त हैं जो रिश्तेदार हैं जो म्यूजिक लवर हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस बोर्ड के साथ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको बाय करना है तो आप मुझसे बाय भी कर सकते हैं, ये बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भाई को भी चाहिए होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरा नंबर बिना सेव किए हुए डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर पाएंगे। तो ये था कुछ बोर्ड जिसका हम रिव्यू कर रहे थे आज, हमारा DX88RN, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है DX88RN। जी हाँ, इसका जो PMPU पावर है वो 48,000 वॉट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं 48,000 वॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका PMPU पावर होता है। और इसका अगर बात करें हम इसकी मॉडल नंबर की तो DX88RN हमारा यहाँ साफ साफ प्रिंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग की ओर और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होने वाली है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अब इसकी साउंड टेस्टिंग की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको अटैच कर दिया है अपनी पावर सप्लाई से, तो ये जैसे पावर सप्लाई हमारी रखी हुई है यहाँ पे, ये है मेरी पावर सप्लाई 12 वोल्ट 60 एम्पीयर की, और यहाँ पे मैंने दोनों वायर अटैच कर दिए हैं 12 वोल्ट के, और ये हमारा जो इसके साथ जो BT स्टैंडर्ड BT आता है वही BT है, इसका भी नया BT नहीं लगाया मैंने, तो पहले हम इससे ट्राई करेंगे इसकी आवाज़ को, उसके बाद फिर हम अपना जो बेस लेवल वाला नया BT है वो लगाएंगे और फिर इसकी आवाज़ चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, और ये इसका रनिंग कंडीशन में है इस समय, ये ऑन है, तो चलिए इसकी आवाज़ को सुनते हैं हम। यहाँ पे मैंने अभी इसका वॉल्यूम बेस लेवल सारा बंद कुछ बंद कर दिया है, तो अब हम चलते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग की ओर। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं अभी इसमें आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही सुनाऊंगा, बाकी का इसमें जो कॉपीराइट वाला सॉन्ग होता है वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें गाना प्ले कर दिया है और हम चलिए इसकी वॉल्यूम को अप करते हैं। Hey,
इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्लियर बेस है इसका। अगर आपको इसकी जो साउंड को फील करना है तो आपको अपना हेडफोन या ईयरफोन लगाना होगा, और हो सकता है मेरे माइक से इतनी बड़ी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, बट इसका जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस बोर्ड का, और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्लियर साउंड है विदाउट किसी हमिंग के, कोई भी हमिंग किसी भी तरह की नहीं है हमारे इस स्टैंडर्ड बीटी के साथ। ठीक है दोस्तों, बाकी हम जो अपना नया वाला बीटी लगाएंगे उसके बाद भी हम चेक करेंगे, तो एक बार चलिए मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ इसको। तो ये था साउंड चेक जो हमने इसका नॉर्मल बीटी के साथ किया। अब हम इसमें लगाते हैं अपना वाला बीटी और इसके बाद उसका आवाज को चेक करते हैं कि इसकी आवाज में और कितना एनहेंस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको जब ये बीटी वगैरह सेटअप कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 12012 की सप्लाई बना ली है, जो कि 50050 से हमारी कन्वर्ट होकर 12012 आ जाएगी। और ये 12012 सप्लाई मैंने कैसे बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। ये 2.2K की रेजिस्टेंस है जो मैंने प्लस और माइनस की आउटपुट पर लगा दी है, और बीच में आप देख सकते हैं मैंने जीनर डायोड लगाया है ये 12V 1W का। तो ये जीनर डायोड 12V 1W का जीनर लगाया है, देख सकते हैं आप, एक को मैंने उल्टा लगाया है एक को सीधा लगाया है। तो जो सीधा वाला सीधा एक्चुअल में जिसकी ब्लैक पट्टी जो है हमारी प्लस की तरफ है, तो ये हमारा प्लस 12 हो गया, और एक की जो है ब्लैक की पट्टी ग्राउंड की तरफ है, और जो ब्लैंक रहता है वो माइनस से अटैच है। तो ये हमारी माइनस 12 निकालेगा और ये हमारी प्लस 12 निकालेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बीच में हमारा जो ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया है इसका 12012 का, और प्लस की सप्लाई हमारी यहाँ से मिल गई और माइनस की सप्लाई हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो ये वायर मैंने अटैच कर दिया है अपने इस बेस टेबल के साथ। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायर आया है ये प्लस मैंने डायरेक्ट कैपेसिटर पे दिया है, ये हमारा देख सकते हैं माइनस हो गया, माइनस प्लस और बीच वाला हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए मैंने ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, और 5V के लिए भी मैंने यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है जिससे हमारा ब्लूटूथ कार्ड चलेगा। ऑडियो इन हमारी जो ऑडियो आउट होगी वो यहाँ से होगी, आप देख सकते हैं आउटपुट पे मैंने वायर अटैच कर दिया है, और ऑडियो इनपुट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वायर अटैच कर दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो सेट है वो कंप्लीट है। तो चलिए अब इसकी करते हैं साउंड टेस्टिंग इस बेस टेबल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा सेटअप लग चुका है पूरा, ये देख सकते हैं बेस टेबल का बोर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और अब हम करते हैं इसको ऑन। ऑन हमारा सेट है, इसको करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हम देख लेते हैं, हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट भी है। तो चलिए इसमें प्ले करते हैं सॉन्ग। तो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मैं इसमें चलाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मैं इसमें चलाने वाला हूँ। सॉन्ग हमारा चल चुका है और इसमें आवाज़ अभी नहीं आ रही है। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम खोलता हूँ, इसका वॉल्यूम ये है। इसका वॉल्यूम खोलने पर भी आवाज़ नहीं आई क्योंकि हमने गेन बिल्कुल ही जो है वो डाउन किया हुआ है। तो चलिए इसका गेन खोलते हैं। awesome.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अभी मैंने गेन 50% ही किया हुआ है मुश्किल से, और इसकी आवाज़ जो है इतनी लाउड हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। बाकी के इसके बेस टेबल वगैरह मैं धीरे धीरे करके खोलता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा और मैं हल्के हल्के एक एक करके इसका बेस टेबल गेन जो मिड है वो खोलूँगा और फिर आप इसकी जो है वो साउंड चेक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी इसकी आवाज़ इस समय बहुत लाउड है हाफ गेन के ऊपर ही, ठीक है। ये इसका बेस है जो मैंने खोला है और आवाज बिल्कुल चेंज हो गई दोस्तों। आप इसमें कितनी ज्यादा लाउड आवाज हो गई, इसकी आवाज मेरे ख्याल से आने के बाद इसकी आवाज कम से कम 5 गुना बढ़ गई है, और इतना लाउड है कि मेरा ये जो है पावर सप्लाई भी गिरने को तैयार है और मेरा फोन भी जो है नीचे गिरने को तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसकी आवाज खोलता हूँ हल्की सी, और इसका बेस और ट्रेबल जो मैंने जब इसको बढ़ाया तो बहुत ही मेरा फोन वहां से यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैं इसमें कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको, एलन वॉकर का। Yeah.
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस बोर्ड की जो है परफॉर्मेंस डबल हो गई है इस बेस स्टेबल को लगाने के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो शेयर जरूर करें उन दोस्तों के साथ जो है आपके म्यूजिक लवर दोस्त, ठीक है दोस्तों। और जिस किसी को भी भाई को भी ये पावरफुल एम्पलीफायर बोर्ड चाहिए होगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हमारी अगली वीडियो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।